शहर में चोरी की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही। आए दिन लगातार चोरी हो रही है और इस पर अंकुश लगाने में स्थानीय पुलिस असफल साबित हो रही है। ताजा मामला धनबाद के सरायढेला थाना अंतर्गत सुगियाडीह रघुवर नगर में सानवी ज्वेलर्स में शुक्रवार की देर रात चोरों ने करीब 4 लाख की संपत्ति शटर काट कर चोरी कर ली। ज्वेलर्स दुकान के संचालक सुनील वर्मा ने बताया कि करीब 25 ग्राम सोना और करीब 1.25 किलो चांदी के आभूषण चोरों ने चोरी कर ली। अहले सुबह लोगों के द्वारा उन्हें इसकी सूचना मिली, जिसके बाद उन्होंने सरायढेला थाना को सूचना दी। आए सुबह में देख रहे शटर टूटा हुआ, हमें फोन किए थे कि आपका दुकान का शटर टूटा हुआ, तो आके देखे तो अंदर में कुछ भी सामान नहीं मिला। किस चीज का दुकान है? ज्वेलरी का दुकान। कितना पुराना दुकान है? जाके 1.5 महीना हो रहा है। क्या कैसे चोरी हुआ पता चला? शटर टूटा हुआ क्या? शटर आधा खुला हुआ था। दोबारा आने के लिए ताला तोड़ के? ताला नहीं, ताला लगा हुआ। शटर तोड़ दिया? शटर को साइड से तोड़ दिया गया। कितना का थी सामान होगा? सामान होगा सर, वही तो चांदी था, टॉप था। लगभग कितना का सामान होगा? वही 3-3.5 लाख का होगा। कैमरा वाला लगाया है? नहीं, कैमरा लगवाते हम बात किए थे, कैमरा कभी तो खोले ही थे, कैमरा लगवाते लेकिन अब लगाए नहीं, लगवा लेते लेकिन इस तरह के काम। पुलिस आई है? हाँ, पुलिस तो आए थे। सूचना पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। केंदुआ निवासी सुनील वर्मा ने 2 माह पहले ही रघुवर नगर में दुकान खोला था। मुख्य सड़क किनारे घनी आबादी के बीच में चोरी होनी कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है।